हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू DRS AK फार्मेसी। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे और अपनी स्टडी भी अच्छे से स्टार्ट कर दिए होंगे। और आप लोगों को हमारी तरफ से वसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम यमसू की सीरीज में सब्जेक्ट लेकर आए हैं फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, जो बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। इसमें आज हम लोग यूनिट फर्स्ट के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यमसू को डिस्कस कर लेंगे। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या कंटेंट है जो हमें पढ़ना है। पहला इसमें इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इसके ब्रांच पढ़ने, स्कोप एंड इट्स इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट इसमें क्या एमसीक्यू रहेगा, इसमें इंट्रोडक्शन टू प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट से रिलेटेड एमसीक्यू। नेक्स्ट हमारा है स्टडी ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया से रिलेटेड एमसीक्यू। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, रॉ मटेरियल यूज फॉर कल्चर मीडिया एंड फिजिकल पैरामीटर फॉर ग्रोथ से एमसीक्यू रहेगा। एंड ग्रोथ कर्व, आइसोलेशन, प्रिजर्वेशन मेथड फॉर प्योर कल्चर, इन सब से एमसीक्यू रहेगा। और कल्टीवेशन ऑफ एनारोब से भी एमसीक्यू रहेगा। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ से भी एमसीक्यू रहेगा। और लास्ट जो टॉपिक बचेगा यूनिट फर्स्ट का, इसमें है स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, इसमें फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो हमारे सिलेबस में, इन सब से क्वेश्चन रहेगा। तो सारा यूनिट वन एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। ओके, तो आप लोग भी रेडी हो जाइए अपना अपना आंसर सबमिट करने के लिए। और जो आंसर बताते जाए आप लोग साथ में आंसर सबमिट करते जाइएगा और मैच करते जाइएगा। ओके, तो बेस्ट आप लोग। चलिए हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है दिस स्पेशलाइज ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी दैट डील्स विथ स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर यूजली इनविजिबल टू नेक्ड आई। तो इसके लिए क्या बात सही है, आप लोग ऑप्शन पढ़िए। पहला बायोलॉजी, बी है ऑप्शन फिजियोलॉजी, सी हमारा साइटोलॉजी, डी हमारा माइक्रोबायोलॉजी। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, ये हमारी डिफिनीशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप लोग आंसर चूज करिए। इसका जो राइट आंसर होगा, हम बता रहे हैं इसका राइट आंसर डी होगा, माइक्रोबायोलॉजी। ओके, पहले का राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, कह रहा है द माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव डायामीटर यूजली, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका डायामीटर कितना होता है यूजली। ऑप्शन पढ़िए, पहला कह रहा है ग्रेटर देन 1 मिलीमीटर, लेस देन 0.1 मिलीमीटर, लेस देन 1 मिलीमीटर, ग्रेटर देन 0.1 मिलीमीटर। चलिए आप लोग अपना आंसर जल्दी से सबमिट कर दीजिए, देन हम आंसर बताते हैं इसको। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाले का, दूसरे का बी वाला, लेस देन 0.1 मिलीमीटर। ओके, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। देखिए यहाँ पर मॉडर्न पूछा है। ओके, तो फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कौन है, ऑप्शन पढ़िए। पहला कह रहा है लोफोलर, बी हमारा हैंसन, सी हमारा कह रहा है रस्का, डी कह रहे हैं लुईस पाश्चर। तो आप लोग ऑप्शन याद करिए कौन सा राइट ऑप्शन हो सकता है। चलिए सबमिट करिए, इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का, हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है, डी वाला, लुईस पाश्चर को फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन थ्री का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज, फंजाई के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन पढ़िए, माइक्रोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। चारों ऑप्शन में से बिल्कुल सही जवाब आपका राइट आंसर होगा ए, माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंजाई को बोलते हैं। क्वेश्चन फोर्थ का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, माइकोलॉजी को स्टडी ऑफ फंजाई बोलते हैं, और जो स्टडी ऑफ पैरासाइट्स को क्या बोलते हैं, पैरासिटोलॉजी। वायरोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ वायरस के बारे में पढ़ते हैं। बैक्टीरियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। और प्रोटोजूलॉजी में स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ते हैं। और फाइकोलॉजी में स्टडी ऑफ एल्गी के बारे में पढ़ते हैं। ओके, ये याद कर लीजिए, स्पेलिंग यहाँ से कर लीजिए, PHYCH होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस आर द पार्ट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इनमें से कौन सी माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट है। ये चार ब्रांच के नाम दिए गए, इनमें से पहचानिए कौन सा हमारा माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांच है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं, पहला कह रहा बैक्टीरियोलॉजी, दूसरा कह रहा एपिडेमियोलॉजी, थर्ड कह रहा फूड एंड बेवरेज टेक्नोलॉजी, फोर्थ कह रहा इटियोलॉजी। तो इन चारों में से चारों ऑप्शन मैच कराइए, इनमें से कौन कौन से हमारे हैं, चलिए बताइए जल्दी से चूज करें अपना राइट आंसर। देखिए बैक्टीरियोलॉजी तो होता ही है हमारा, एपिडेमियोलॉजी भी होता है, और फूड एंड बेवरेज टेक्नोलॉजी भी माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं, इटियोलॉजी तो पढ़ते ही हैं। यानी सारे ऑप्शन, देखिए कोई ऑप्शन मिल रहा, बिल्कुल सी वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा, पाँचवें का सी। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं कुछ, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, अप्लाइड ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में क्या क्या आते हैं। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी आता है, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी, एक्वेटिक माइक्रोबायोलॉजी, एयर माइक्रोबायोलॉजी और एपिडेमियोलॉजी। ओके, ये सब हमारे अप्लाइड ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के, सबके बारे में देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है कि इट डील्स विथ स्टडी ऑफ कॉजेटिव एजेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, इट डील विथ इटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस एंड लेबोरेटरी डायग्नोसिस ट्रीटमेंट।
ये सारी डिफिनेशन जो बता रहा है कौन किस किस माइक्रोबायोलॉजी की डिफिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए ऑप्शन पढ़िए, पहला कह रहा मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, बी कह रहा फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, सी कह रहा इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, डी कह रहा माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी। तो आप लोग अगर डिफिनेशन पढ़े होंगे अपने क्वेश्चन में या बुक से तो आपको पता होगा एक किसकी डिफिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इट डील्स विद स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, जिसका प्रोडक्शन किया जाता है एंटीबायोटिक में, एंजाइम्स में, वैक्सीन्स में, विटामिन में एंड अदर फार्मास्यूटिकल्स में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सारे ऑप्शन पढ़िए, पहला कह रहा फूड माइक्रोबायोलॉजी, नेक्स्ट कह रहा फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी। चलिए बताइए हम किस में पढ़ते हैं सब। क्वेश्चन 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से टिक करिए। हाँ 7 का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए, इट इज द स्टडी ऑफ इंडस्ट्रियली यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेज। जिसमें हम इंडस्ट्री में एल्कोहलिक बेवरेजेस बनाते हैं, विटामिन, अमीनो एसिड, एंजाइम्स, एंटीबायोटिक एंड अदर ड्रग बनाते हैं, तो किस माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन पढ़िए फूड माइक्रोबायोलॉजी, बी है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, सी है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, डी हमारा एयर माइक्रोबायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आप लोग टिक करिए क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर जो होगा हमारा ए सी वाला हो जाएगा, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इट इज ए साइंटिफिक मैनिपुलेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पेशली एट द मॉलिक्यूलर एंड जेनेटिक लेवल। किस माइक्रोबायोलॉजी में हम ऑर्गेनिज्म को मॉलिक्यूलर और जेनेटिक लेवल पे अध्ययन करते हैं, आप लोगों को आंसर पढ़ना और राइट आंसर सबमिट करना। चलिए पढ़ते हैं, फूड माइक्रोबायोलॉजी पहला ऑप्शन, बी कह रहा सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, सी कह रहा एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी, डी कह रहा माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी। तो चलिए बताइए इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है, जल्दी से टिक करिए। बिल्कुल सही, क्वेश्चन 9 का राइट आंसर डी वाला होगा, माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी, 9 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th कह रहा है इट डील्स विद स्टडी ऑफ माइक्रोबियल फ्लोरा एंड द इंटरेक्शन अमंग सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके लिए ऑप्शन पढ़िए, पहला कह रहा फूड माइक्रोबायोलॉजी, बी कह रहा सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, सी कह रहा एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी, डी कह रहा माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी। तो बताइए इसमें हम नामी इसमें आ गया सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो सॉइल माइक्रोबायोलॉजी हमारा राइट आंसर पहले मिल गया था, 10th का बी वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th, क्वेश्चन 11 कह रहा हु डेवलप लेंस फॉर फर्स्ट टाइम, सबसे पहले लेंस को डेवलप किसने किया था। चलिए ऑप्शन पढ़िए, पहला ऑप्शन है रस्का, दूसरा ऑप्शन है बैकोन, तीसरा ऑप्शन है फेबोर, डी वाला ऑप्शन है गैलीलियो गैली। तो आप लोग को याद होगा इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन हो सकता है, बैकोन। बैकोन तो पहले क्या कि इन्होंने डेवलप लेंस किया था फॉर फर्स्ट टाइम, किसने किया था, बैकोन ने ही। तो इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। बाकी लोग जो हमारे रस्का थे इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को खोजा था, और जो फेवर थे इन्होंने प्रपोज किया था नेम माइक्रोस्कोप, और जो गैलीलियो गैली थे इन्होंने फर्स्ट प्रिपेयर्ड ए माइक्रोस्कोप विथ ट्रू फोकसिंग डिवाइस की मदद से इन्होंने माइक्रोस्कोप तैयार किया था। हमारे क्वेश्चन में हु डेवलप लेंस फॉर फर्स्ट टाइम पूछा था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैकोन। टिक कर लीजिए 11th का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th, क्वेश्चन नंबर 12th कह रहा है द माइक्रोस्कोप विथ फोकसिंग डिवाइस वॉज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड। कह रहा है कौन सा माइक्रोस्कोप जो सबसे पहले खोजा गया फोकसिंग डिवाइस के साथ, इसमें से किसने खोजा था, आपको ऑप्शन चूज करना है। पहला करा रस्का, बी करा बैकून, सी करा फेवर, डी करा गैलीलियो। तो आप लोग बताइए, अभी तो पीछे पढ़ के आए हम लोग, उसमें हमने आंसर बता दिया था, 12th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला, बिल्कुल गैलीलियो गैली हो जाएगा, 12th का डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, बैकून ने फर्स्ट टाइम डेवलप किया था लेंस को, गैलीलियो गैली ने फर्स्ट प्रिपेयर्ड माइक्रोस्कोप विद ट्रू फोकसिंग लेंस की डिवाइस की मदद से, जो फेवर ने 1625 में प्रपोज किया था नेम माइक्रोस्कोप, एंड रस्का ने क्या किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की थी, कब, 1931 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि हु फर्स्ट ऑब्जर्व माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, ईस्ट, प्रोटोजोआ इन वाटर फिशेस। तो किसने ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं, पहला करा रॉबर्ट कोच, बी करा लुइस पाश्चर, सी करा पॉल एहरलिच, डी करा एंटोनवा लुयनहाक। तो आप लोग बताइए किन्होंने सबसे पहले खोजा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लाइक बैक्टीरिया, ईस्ट, प्रोटोजोआ इन वाटर एंड फिशेस में। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला, एंटोनवा लुयनहाक, 13 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मेरा फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, अब यहाँ पर फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पूछा, मॉडर्न तो हमारे लुइस पाश्चर थे, लुइस पाश्चर तो इसमें ऑप्शन हो नहीं सकता, रॉबर्ट कोच ने तो बैक्टीरियोलॉजी के बारे में बताया था, ये भी नहीं हो सकता, तो इसमें से क्या हो सकता है हमारा
क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर टिक करिए आप लोग भी, इसका राइट आंसर माना जाएगा डी वाला, एंटोन वन लुवेन हॉक हो जाएगा 14 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 15 कह रहा है द टर्म यूज्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय लुवेन हॉक, लुवेन हॉक ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए क्या क्या टर्म दिए थे, ऑप्शन पढ़िए इसमें से पढ़िए। पहला कह रहा है जर्म इन नाम नाम दिया था, जो हमारा बी वाला ऑप्शन है वो कह रहा है डायरकंस नाम, एंड सी वाला कह रहा है एनिमेलक्यूल नाम दिया था, डी कह रहा बोथ बी एंड सी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आप लोग जल्दी से चूज करिए क्या हो सकता है, 15 का डी वाला, बिल्कुल बोथ बी एंड सी, इन्होंने इसका नाम डायरकंस भी दिया था और एनिमेलक्यूल्स भी दिया था। ओके क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 16 कह रहा है द थ्योरी विच से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व ऑन अर्थ स्पॉन्टेनियसली इज, तो कौन सी थ्योरी थी आप लोगों को बताना है। पहला कह रहा बिग बैंग थ्योरी, बी कह रहा नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, सी कह रहा थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, डी कह रहा थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो आप लोग राइट आंसर पहचानिए कौन सी थ्योरी थी जिनने बताया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व ऑन अर्थ स्पॉन्टेनियसली। ओके इसके लिए राइट आंसर क्या होगा जल्दी से चूज करिए, इसका राइट आंसर सी, नोट कर लीजिए थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी थी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 17 कह रहा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट सपोर्टेड द आइडिया ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, नीचे दिए गए सभी साइंटिस्टों ने जो हमारा स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी थी आइडिया था उसे सपोर्ट किया था, लेकिन एक ने नहीं किया था, जिन्होंने नहीं किया था उन्हीं को बताना है। तो हमारा जो 17 का राइट आंसर देखिए कौन सा था, पहला कह रहा अरिस्टोटल, बी कह रहा फेलिक्स आर्किमिड और पाउचहेट, सी कह रहा जॉन नीदम और सी कह रहा फ्रांसिस्को रेडाई। तो आप लोग बताइए किन्होंने नहीं सपोर्ट किया था, हमारा 17 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, फ्रांसिस्को रेडाई ने नहीं किया था। ओके यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लिया, फ्रांसिस्को रेडाई ने क्या किया था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, पहले ओपन कंटेनर में जो मीट का टुकड़ा रखा था उसमें मैगट आ गए थे, उनके क्या बन रहे थे उनके मैगट यहाँ पर अपियर हो रहे थे, लेकिन जब उन्होंने उसको ढक दिया कॉर्क सील कंटेनर से नो फॉर्मेशन ऑफ मैगट इन मीट, मीट में किसी प्रकार का मैगट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, और जब गॉज से भी कवर कर दिया तब भी किसी प्रकार का फॉर्मेशन नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को मतलब रिजेक्ट किया था, सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ओके कौन थे, फ्रांसिस्को रेडाई, लेकिन कुछ लोगों ने इन्हें इनकी बात से एग्री नहीं हुए, उन्होंने कहा कि जो हमारे एयर फ्री एयर होती है उसमें कुछ वाइटल फोर्स होती है जो हमारे स्पॉन्टेनियस जनरेशन के लिए जरूरी होती है, इसलिए इनकी भी थ्योरी को सपोर्ट नहीं किया गया था। ओके चलिए नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 18 कह रहा है स्वान नेक एक्सपेरिमेंट टू डिसअप्रूव स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी वाज परफॉर्म बाय, अब बताइए स्वान नेक एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है किसने किया था जल्दी से आप सब चुप करिए। पहला कह रहा लुईस पाश्चर, बी कह रहा रॉबर्ट कोच, तीसरा कह रहा लूफलर, डी कह रहा नीदम, तीन में से क्या ऑप्शन हो सकता है जल्दी टिक करिए। क्वेश्चन 18 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, लुईस पाश्चर, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ए टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा हु डिमॉन्स्ट्रेट दैट ओपन ट्यूब ऑफ ब्रॉथ रिमेंड फ्री ऑफ बैक्टीरिया वेन एयर वॉज फ्री ऑफ डस्ट, ये बात किसने बताया था चलिए ऑप्शन बताइए पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन करा स्प्लैंजनी ने, बी करा फास्चर ने, सी करा फ्रांसिस्को रेडाई ने, डी करा जॉन टिंडल ने। इसका जो राइट आंसर होगा 19 का हमारा डी वाला हो जाएगा, जॉन टिंडल ने ये बात कही थी। ओके क्वेश्चन 19 का डी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा प्रोसेस ऑफ स्टरलाइजेशन इज यूज्ड इन डेयरी इंडस्ट्री इज, कह रहा है जो स्टरलाइजेशन प्रोसेस होता है यूज इन डेयरी इंडस्ट्री उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं, पहला करा पाश्चराइजेशन, बी करा टिंडलाइजेशन, सी करा स्टरलाइजेशन, डी करा एटीन्यूएशन। तो आप लोग बताइए उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं राइट आंसर 20 का ए हो जाएगा, पाश्चराइजेशन बोलते हैं। ओके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, 21 कह रहा द एनारोबिक कन्वर्जन ऑफ सुगर इंटू एल्कोहल बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, वो कौन सा एनारोबिक कन्वर्जन होता है जो सुगर को एल्कोहल में बदलता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब की मदद से, उस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया है। 21 का राइट आंसर आपको चूज करके बताना है, पहला करा पाश्चराइजेशन, बी करा सैनिटाइजेशन, सी करा स्टेरिलाइजेशन, डी करा फर्मेंटेशन। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से टिक करिए, 21 का राइट आंसर डी हो जाएगा, फर्मेंटेशन। ओके चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है 22 पढ़िए, कह रहा है द एक्ट ऑफ वीकनिंग द पैथोजेनिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, उसे क्या नाम दिया गया है किस नाम से जाना जाता है, पहला वैक्सीनेशन,
बी कह रहा टिंडलाइजेशन, सी कह रहा स्टेरिलाइजेशन, डी कह रहा एटीन्यूशन। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए और जल्दी से राइट आंसर टिक करिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा 22 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, एटीन्यूशन बोलते हैं। ओके 22 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। 23 कह रहा है द प्रोसेस ऑफ इंटरमिटेंट बॉइलिंग या स्टीमिंग एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इन थ्री सक्सेसिव डे फॉर 30 मिनट इज नोन एज। इस प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है। तो पहले ऑप्शन पढ़िए, पहला कह रहा वैक्सीनेशन, बी कह रहा टिंडलाइजेशन, सी कह रहा स्टेरिलाइजेशन, डी कह रहा एटीन्यूएशन। तो 23 का राइट आंसर टिक कर लीजिए, क्या होगा 23 का बी हो जाएगा, टिंडलाइजेशन 23 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, पढ़िए हु गिव जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज किसने दिया था, ये जो हमारी जर्म थ्योरी डिजीज था किसने दिया था, आपको राइट आंसर चूज करना है। 24 का पहला ऑप्शन पढ़िए रॉबर्ट कोच, बी कह रहा कार्ल लंडस्टीनर, ई कह रहा एडवर्ड जेनर, डी कह रहा लुईस पाश्चर। इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा, जल्दी से टिक करिए। 24 का राइट आंसर क्या हो सकता है, 24 का राइट आंसर डी होगा बिल्कुल। जर्म थ्योरी ऑफ जो डिजीज था किसने दिया था, लुईस पाश्चर ने दिया था, 24 का डी। जो रॉबर्ट कोच थे इन्होंने तो बैक्टीरियोलॉजी के बारे में बताया था, कार्ल लंडस्टीनर ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था, एडवर्ड जेनर वैक्सीन के बारे में बताया था। ये तीनों ऑप्शन तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते, राइट आंसर 24 का डी हो जाएगा, लुईस पाश्चर। टिक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कर रहा व्हाट इज द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज क्या कहता है, चलिए ऑप्शन पढ़िए 25 पढ़िए। पहला कर रहा सम इन्फेक्शियस डिजीज आर कॉज बाय टिनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनवेडिंग ए होस्ट ऑर्गेनिज्म। बी कर रहा लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ओनली कम फ्रॉम अदर नॉन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। सी कर रहा लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन अराइज फ्रॉम इन एनिमेट नॉन लिविंग मैटर। डी कर रहा डिजीज इज ऑफ्टन रिजल्ट ऑफ ब्रीदिंग बैड और पॉल्यूटेड एयर। तो इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर हो सकता है, जल्दी से टिक करिए पढ़ के ऑप्शन। ओके हम इसका राइट आंसर बता दे रहे हैं आपको, 25 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। ओके इन्होंने कहा था जो थ्योरी ऑफ डिजीज में क्या बताया गया था कि सम इन्फेक्शियस डिजीज आर कॉज्ड बाय टिनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनवेड ए होस्ट ऑर्गेनिज्म। ओके 25 का ए। नेक्स्ट 26 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज नोन एज फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। इनमें से कौन से साइंटिस्ट है जो एंटीसेप्टिक सर्जरी के पिता कहलाते हैं, फादर कहलाते हैं। ऑप्शन पढ़िए जल्दी से टिक करिए। पहला ऑप्शन है रेडाइस, बी वाला ऑप्शन है लुईस पाश्चर, सी है हमारा जोसेफ लिस्टर और डी हमारा लुएन हाग। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से टिक करिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला। ओके जोसेफ लिस्टर 26 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, हु डिस्कवर्ड बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी के बारे में किसने बताया था, ऑप्शन पढ़िए। पहला करा रॉबर्ट कोच, बी वाला ऑप्शन करा लुईस पाश्चर, सी करा जोसेफ लिस्टर, डी करा नॉन ऑफ दीज। तो आप लोग इसमें से राइट आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से बताइए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अभी पीछे बता दिए थे। 27 का ए वाला हो जाएगा रॉबर्ट कोच। ओके इन्होंने तो बैक्टीरियोलॉजी के बारे में बताया था, 27 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िए, कोच पोस्टुलेट कंटेन हाउ मैनी बेसिक रूल। जो हमारे कोच पोस्टुलेट था उसमें कितने बेसिक रूल्स थे, अगर आप लोग कोच पोस्टुलेट पढ़े होंगे तो रूल्स पते होंगे कितने रूल्स है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं, पहला करा 1, दूसरा करा 2, तीसरा करा 3, चौथा करा 4। आप लोग याद करिए कितने रूल्स थे। 28 का राइट आंसर क्या हो सकता है, बिल्कुल इसका राइट आंसर जो होगा हमारा डी वाला, इनके चार रूल थे। ओके चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, पोस्टुलेट 1, पोस्टुलेट 2, पोस्टुलेट 3, पोस्टुलेट 4। फर्स्ट में क्या बताता था, एसोसिएशन को, जो हमारा फर्स्ट क्या बताता था, एसोसिएशन। सेकंड क्या बताता था, आइसोलेशन। थर्ड क्या बताता था, इनोकुलेशन। फोर्थ हमारा क्या था, रिजोलेटेड, ये हमारा था। ओके नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है व्हाट इज कोच फर्स्ट पास्टुलेट। जो कोच का फर्स्ट पास्टुलेट था वो क्या बताता था, ऑप्शन पढ़िए, चार ऑप्शन पढ़िए और इसमें से देखिए। पहला कह रहा है द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी फाउंड इन एबंडेंस इन ऑल ऑर्गेनिज्म सफरिंग फ्रॉम द डिजीज बट should not be found in healthy। B कह रहा microorganism must be isolated from a diseased organism and grown in pure culture। C कह रहा है the isolated microorganism should cause same disease when inoculated into healthy animal। D कह रहा the microorganism must be isolated from the inoculated host and identified as being identical to original specific causative agent। इसमें से जो कोच का फर्स्ट पास्टुलेट था किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 29 का हमारा जो पहला है वो कोच पास्टुलेट फर्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो सेकंड वाला है वो कोच पास्टुलेट सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप बी वाला ऑप्शन। और सी वाला ऑप्शन हमारा कोच पास्टुलेट थर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा कोच पास्टुलेट फोर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके
29 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा टर्म वैक्सीन गिवन बाय, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से टिक कर दीजिए। पहला ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, दूसरा ऑप्शन एडवर्ड जेनर, तीसरा ऑप्शन है लुईस पाश्चर, चौथा फ्लेमिंग। तो टर्म वैक्सीन किसने दिया था, राइट आंसर टिक कर लीजिए, एडवर्ड जेनर, बिल्कुल सही, 30 का बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा एगार एज ए सॉलिडिफाइंग एजेंट वॉज फर्स्ट टाइम यूज बाई, जो हमारा एगार होता है एक सॉलिडिफाइंग एजेंट है, इसको सबसे पहले किसने यूज किया था, किसके द्वारा यूज किया गया था, ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला कह रहा रॉबर्ट को, दूसरा कह रहा एडवर्ड जेनर, तीसरा कह रहा लुईस पाश्चर, चौथा कह रहा लुवेन हॉक। तो आप लोग बताइए 31 का राइट आंसर कौन सा होगा, 31 का बिल्कुल जल्दी से बताइए, 31 का राइट आंसर ए हो जाएगा, रॉबर्ट कोच, ओके 31 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा पाउल एहरलिच कॉइन द टर्म, पाउल एहरलिच ने किस क्या टर्म दिया था, चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला करा फिजियोथेरेपी, बी करा हाइड्रोथेरेपी, सी करा कीमोथेरेपी, डी करा ऑल ऑफ दीज। तो चलिए इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है, जो पाउल एहरलिच थे इन्होंने क्या टर्म दिया था, कीमोथेरेपी, 32 का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 करा पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय, पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी, फेमस क्वेश्चन है, पहले ऑप्शन पढ़िए, रॉबर्ट कोच, बी है लाइन स्टीनर, सी है फ्लेमिंग, डी है एडवर्ड जेनर, बिल्कुल आप लोग का ऑप्शन मिल चुका होगा, 33 का राइट आंसर सी हो जाएगा, फ्लेमिंग, ओके 33 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा स्ट्रेप्टोमाइसिन विच इज यूज टू ट्रीट ट्यूबरकुलोसिस वाज डिस्कवर्ड बाई, वो किसके द्वारा खोजा गया था, जो ट्यूबरकुलोसिस का बीमारी का ट्रीट कर रहा था, बताइए किसने खोजा था। पहला ऑप्शन यस से वैक्समैन, बी है लाइनस्टीनर, सी है फ्लेमिंग, डी है एडवर्ड जेनर। तो आप लोग इसमें से राइट आंसर चूज करिए कौन थे, 34 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ओके यस ए वैक्समैन, 34 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा पेनिसिलिन वाज ऑब्टेन बाय, पेनिसिलिन किस बैक्टीरिया से या फंजाई से या वायरस से या ऑल ऑफ दिस किससे ऑब्टेन होता है, आप लोग को ये बताना है। तो चलिए बताइए 35 बताइए, जो हमारा पेनिसिलिन होता है किससे ऑब्टेन होता है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, वायरस, चलिए जल्दी से ऑप्शन टिक करिए, ये हमारा पेनिसिलिन जो होता है हमारा फंजाई से ऑब्टेन होता है, 35 का बी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा पेनिसिलिन वाज ऑब्टेन बाय विच फंजाई, अब पूछ लिया वो फंजाई कौन सी है जिस फंजाई से पेनिसिलिन ऑब्टेन की जाती है। तो 36 राइट आंसर आप लोग पढ़िए, पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए, कह रहा पहले पेनिसिलिन नोटेटम, बी कह रहा पेनिसिलिन क्राइसोजीनम, सी कह रहा बोथ ए एंड बी, डी कह रहा नॉन ऑफ दी। तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा पेनिसिलिन नोटेटम से भी प्राप्त होता है पेनिसिलिन, और पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से भी ऑब्टेन होता है। तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी बोथ ए एंड बी, 36 का सी वाला नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड विनेगर इज डन बाय, जो हमारा एल्कोहल और विनेगर का प्रोडक्शन होता है किसके द्वारा डन किया जाता है। पहला ऑप्शन कह रहा है बैक्टीरियल एक्शन के द्वारा, बी कह रहा फंजाई एक्शन के द्वारा, सी कह रहा वायरस एक्शन के द्वारा, डी कह रहा नॉन ऑफ द। तो आप लोग याद करिए एल्कोहल एंड विनेगर प्रोडक्शन किसके द्वारा किया जाता है, ऑप्शन टिक करिए जल्दी से, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, बैक्टीरियल एक्शन के द्वारा किया गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है राइबोफ्लेविन जो हमारा विटामिन B2 का नाम है इज ऑब्टेन बाय, किसके द्वारा ऑब्टेन किया जाता है। 38 राइट आंसर पढ़िए, मतलब ऑप्शन पढ़िए और राइट आंसर टिक करिए। पहला करा क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटालिकम, बी करा स्यूडोमोनास, डी नाइट्रिफिकेंस, सी करा बोथ ए एंड बी, डी करा नॉन ऑफ दिस। तो आप लोग बताइए किस राइबोफ्लेविन विटामिन टू किससे ऑप्टेन किया जाता है। 38 का राइट आंसर क्या हो सकता है इसमें से, 38 का राइट आंसर टिक करिए जल्दी से, इसे हमारा ए वाला हो जाएगा, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटालिकम से हमारा विटामिन B2 राइबोफ्लेविन ऑप्टेन होता है, और हमारा स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस जो होता है इससे हमारा कौन सा विटामिन ऑप्टेन होता है, साइनोकोबालामाइन यानी विटामिन B12 ऑप्टेन होता है इससे। इसमें विटामिन B2 पूछा तो इसमें हम क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटालिकम लगाएंगे, 38 का ए। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 39 का रहा इन डेयरी योगर्ट प्रोडक्शन इज डन बाई, जो डेयरी होता है उसमें योगर्ट प्रोडक्शन किसके द्वारा डन किया जाता है। 39 चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं, पहला करा लैक्टोबैसिलस लैक्टाई, बी करा लैक्टोबैसिलस वल्गैरिस, और सी करा स्ट्रेप्टोकॉकस लैक्टिस, डी करा नॉन ऑफ दिस। तो आप लोग याद होगा इसके द्वारा योगर्ट ऑप्टेन किया जाता है, 39 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, लैक्टोबैसिलस वल्गैरिस, 39 का बी वाला हो जाएगा, ओके। और आप लोग एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, जो हमारा योगर्ट और कर्ड में क्या डिफरेंस है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप इसका आंसर सबमिट करिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, यहाँ पर देख लीजिए जो चीज़ होता है ये हमारा लैक्टोबैसिलस लैक्टाई से लैक्टिस से प्राप्त होता है, जो योगर्ट होता है ये लैक्टोबैसिलस वल्गैरिस से प्राप्त होता है, और कर्ड और बटर हमारा स्ट्रेप्टोकॉकस लैक्टाई से प्राप्त होता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40
कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, इनमें से कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, आप लोग को ऑप्शन पढ़ के राइट आंसर बताना है। पहला कह रहा है नेसेसरिया गोनोरिया, यम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोप्लाज्मा, डी कह रहा विब्रियो कॉलरी। तो आप लोग बताइए स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन सा, आप लोग पता होगा 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी माइकोप्लाज्मा को स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया बोलते हैं, 40 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, 41 कह रहा दी ऑर्गेनिज्म ऑफ सॉरी दी ऑर्गन्स ऑफ लोकेशन इन बैक्टीरिया आर, वो कौन सा ऑर्गन है जो लोकोमोशन में मदद करता है बैक्टीरिया, ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन पूछा है, ध्यान दीजिएगा बैक्टीरिया में कौन सा पार्ट है जो ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन की तरह वर्क करता है। तो ऑप्शन पढ़िए, पहला करा फ्लैजिला, बी करा पिलाई, सी करा सीडोमोनास, डी करा बोथ बी एंड सी। तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा फ्लैजिला, फ्लैजिला ही जो होता है ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन का वर्क करता है। ओके 41 का ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, 42 क्या हो जाएगा पिलाई ऑफ सेक्स पिलाई इन बैक्टीरिया हेल्प इन, पहला हो जाएगा बाइनरी फ्यूजन, बी करा रेस्पायरेशन, सी करा लोकोमोशन, डी करा कॉन्जुगेशन। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, टिक करिए आप लोग, 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जो पिलाई ऑफ सेक्स पिलाई ऑफ सेक्स पिलाई जिसे बोलते हैं, यहाँ और कर लीजिए पिलाई या सेक्स पिलाई इन बैक्टीरिया हेल्प इन, ये किसे मदद करते हैं। तो आप लोग राइट आंसर टिक करिए किसे मदद करते हैं, 42 का राइट आंसर हो जाएगा डी कॉन्जुगेशन मदद करते हैं। ओके 42 का डी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं 43, कह रहा द बैकबोन ऑफ सेल वॉल इन प्रोकैरियोट इज, जो हमारे सेल वॉल जो प्रोकैरियोट में सेल वॉल होता है उसका बैकबोन क्या कहलाता है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं, पहला करा लिपो पॉलीसेक्राइड, बी करा पॉलीपेप्टाइड, सी करा म्यूरिन, डी करा प्रोटीन। तो 43 का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से टिक करिए, 43 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी म्यूरिन, बिल्कुल सही। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, 44 कह रहा है द ग्लाइकन पोर्शन ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकान कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेटिंग यूनिट ऑफ, इनमें से कौन सी ग्लाइकन प्रोटीन पाया जाता है पेप्टोग्लाइकन में, आप लोगों को उस यूनिट का नाम बताना, बहुत फेमस क्वेश्चन है। ऑप्शन पढ़िए एनएजी नाग एनएएम नाम, बी करा नाग एनएटीपी, सी करा एडीपी एनएएम, डी करा बोथ बीएनसी। आप लोग इसका राइट आंसर चूज कर लीजिए, 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ए नाग एंड नाम, आप लोग इसका भी फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिखना है नाग और नाम का। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 बात करें द सर्फेस एंटीजन प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर, उसको उसका नाम क्या है आप लोग बताना, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल पे पाया जाता है उस सरफेस एंटीजन का नाम बताना है। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, पहला करा एलपीएस, बी करा टिकोइक एसिड, सी करा लिपोप्रोटीन, डी करा ग्लाइकोप्रोटीन। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए क्या हो सकता है इसका जो राइट आंसर होगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए टिकोइक एसिड पाया जाता है, 45 का हमारा बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, और एलपीएस का पूरा नाम लिपोपॉलीसेक्राइड होता है। ओके नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है द मेम्ब्रेन इन वेजिनेशन इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर कॉल्ड, उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है जिसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में इनवेजिनेशन होता है, अगर जब मेम्ब्रेन का इनवेजिनेशन मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मतलब ओपन होती है इनवेजिनेट करके, तो उसको क्या नाम दिया गया है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, पहला करा गॉल्जी बॉडीज, बी करा राइबोसोम, ई सी करा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डी करा मीजोसोम्स। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला मीजोसोम्स कहलाएगा। ओके 46 का टिक कर लीजिए डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा द डीएनए प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, जो हमारे बैक्टीरिया में डीएनए पाया जाता है किस टाइप का होता है। ऑप्शन पढ़िए, करा सिंगल एंड सर्कुलर, बी करा सिंगल एंड लीनियर, डी करा डबल एंड सर्कुलर, और सी का सॉरी डी लास्ट ऑप्शन करा डबल एंड लीनियर। तो आप लोग इसमें से सारा ऑप्शन पढ़िए क्या बात सही है टिक करना। चलिए 47 का राइट आंसर क्या हो सकता है, डीएनए में हमारा जो बैक्टीरियल डीएनए होता है उसके अंदर सिंगल एंड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, 47 का राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। ओके नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है द एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल पीस ऑफ डीएनए इन बैक्टीरिया इज, जो हमारे बैक्टीरिया में डीएनए होता है एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल पीस होता है उसका नाम क्या दिया गया, पहला कह रहा मीजोसोम, दूसरा करा प्लाज्मिड, तीसरा करा प्लास्टिड, चौथा करा न्यूक्लियोइड। तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या कहलाएगा, बी वाला ऑप्शन प्लाज्मिड कहलाएगा। ओके नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है एक कल्चर बाय विच नो फ्रेश न्यूट्रिएंट आर एडेड एंड द एंड प्रोडक्ट एक्यूमुलेट विदाउट देयर रिमूवल इज कॉल्ड, उससे हम कौन सा कल्चर कहते हैं। ऑप्शन पढ़िए, पहला करा कंटिन्यूस कल्चर, दूसरा करा इनहेंस कल्चर, सी करा स्टॉक कल्चर, डी करा बैच कल्चर। तो 49 का बताइए कौन सा कल्चर है वो,
ओके 49 का राइट आंसर जल्दी से टिक करिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, उसे बोलते हैं बैच कल्चर, 49 का डी। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर ऑब्टेंड आफ्टर देयर आइसोलेशन फ्रॉम डिफरेंट स्पेसीमैन इन देयर प्योर फॉर्म, यहाँ पर दिया गया कौन कौन से कल्चर होता है, स्ट्रिक कल्चर, स्टेप कल्चर को हम स्टिक कल्चर, इसका क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेप कल्चर को और किस नाम से जानते हैं, स्टिक कल्चर। ओके नेक्स्ट हमारा कल्चर स्टॉक कल्चर, स्टार्टर कल्चर भी होता है, इनरिचमेंट कल्चर होता है, बैच कल्चर होता है हमारा, कंटिन्यूस कल्चर होता है, सिंक्रोनस कल्चर होता है, अनफेड बैच कल्चर होता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 का रहा, द फेज ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लीकेशन रिजल्टिंग इन इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया विथ रिड्यूस जनरेशन इन टाइम, उसे क्या कहते हैं, जिसमें मैक्सिमम मल्टीप्लीकेशन होता है, जिसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है बैक्टीरिया का, वो कौन सा फेज होता है। ऑप्शन पढ़िए, लैग फेज, लॉग फेज, सी करा स्टेशनरी फेज, डी करा डिक्लाइन फेज, तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा फेज होता है। तो 50 का राइट आंसर कौन सा होगा, 50 का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, कौन सा जाएगा बी, उसे लॉग फेज बोलते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, जो हमारा बैक्टीरियल ग्रोथ का में एक कर्व है, हमारा टाइम और नंबर ऑफ सेल्स के बीच में बनाया जाता है, इसमें यहाँ पर जो लैग फेज होता है ये हमारा ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, लैग फेज में ग्रोथ एकदम देखिए एकदम एकदम ग्रोथ नहीं होती है, लेकिन जैसे लॉग फेज जिसे एक्सपोनेंशियल फेज बोलते हैं उसमें बहुत तेज ग्रोथ होने लगता है, और स्टेशनरी फेज में जो ग्रोथ रेट रहता हमारा इक्वल टू डेथ रेट के बराबर हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर ग्रोथ एकदम मतलब बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन में आ जाती है, उसके बाद एकदम डेथ रेट आ जाता है लास्ट में। ओके ये हमारा बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व का ग्राफ है, देख लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51 कर रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल फैक्टर अफेक्टिंग बैक्टीरियल ग्रोथ, इनमें से कौन सा इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो हमारे बैक्टीरियल ग्रोथ को अफेक्ट करता है। 51 का पढ़िए, पहला करा ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर, बी करा पीएच एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, सी करा वाटर एंड CO2, डी करा ऑल ऑफ दीज, तो 51 का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ओके बिल्कुल सही। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन 52 कह रहा, द बैक्टीरिया विच प्रीफर लो टेम्परेचर 0 to 22 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर ग्रोथ आर नोन एज, उसे कौन सा बैक्टीरिया को कौन से क्लास का बैक्टीरिया बोलेंगे जिसका टेम्परेचर 0 to 22 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में आता है। 52 का ऑप्शन पढ़िए, से बोलेंगे थर्मोफिलिक, थर्मोड्यूरिक, म्यूजोफिलिक, साइकोफिलिक, इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। 52 का राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा डी वाला, साइकोफिलिक। ओके नेक्स्ट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर रिलेशनशिप बैक्टीरिया मे बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन ग्रुप, पहला कौन है साइक्रोफिलिक्स जिसे क्रायोफाइल्स बोलते हैं 0 to 25 डिग्री टेम्परेचर होता है, नेक्स्ट हमारा मेजोफाइल जिनका 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, और पैथोजेनिक टू मैन एंड एनिमल दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो थर्मोफिलिक होता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड to 75 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 करा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग प्योर कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किस किस मेथड से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्योर कल्चर तैयार करते हैं, पहला करा स्टिक प्लेट मेथड, दूसरा करा पावर प्लेट मेथड, तीसरा करा स्प्रेड प्लेट मेथड, चौथा करा ऑल ऑफ दिस, तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से टिक करिए डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, बिल्कुल सही। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, देर आर सेवरल मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर कल्चर, पहला करा स्ट्रिक प्लेट मेथड, दूसरा करा पावर प्लेट मेथड, तीसरा करा स्प्रेड प्लेट मेथड, चौथा रॉल ट्यूब मेथड जो हमारा मोस्टली यूज किया जाता है ऑब्लिगेट एनारोब के लिए, पांचवा हमारा है माइक्रो मैनिपुलेटर मेथड, छठवा है सीरियल डायलेशन मेथड, जो स्टिक प्लेट मेथड उसे दो टाइप होते हैं कंटिन्यूस स्टिक मेथड और डिसकंटिन्यूस स्टिक मेथड। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 कह रहा है, द मेथड ऑफ स्ट्रीकिंग इन विच देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ स्ट्रीकिंग जोन एंड लूप इज स्टरलाइज ओनली वंस इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड, मतलब नो ओवरलैपिंग, एक बार स्टार्ट किया उसके बाद ओवरलैपिंग नहीं किया, उसे कौन सा मेथड बोलेंगे, पहला कंटिन्यूस, बी है पहला डिसकंटिन्यूस, दूसरा है कंटिन्यूस, तीसरा है कंसिस्टेंट मेथड, डी है नॉन ऑफ द, जब हम एक बार शुरू करेंगे और उसके बाद जब उसको हम उठाएंगे नहीं तो हमारा लगातार क्या हो रहा है उस कंटिन्यूस में तो आएगा, तो 54 का राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा कंटिन्यूस मेथड। ओके 54 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 का रहा, विच मेथड इज यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ प्योर कल्चर, कौन से मेथड का यूज हम प्योर कल्चर के प्रिजर्वेशन के लिए करते हैं, 55 का राइट आंसर पढ़िए, पहला करा रेफ्रिजरेशन एंड पैराफिन मेथड, बी करा लायोफिलाइजेशन मेथड, सी करा क्रायो प्रिजर्वेशन मेथड, डी करा ऑल ऑफ दीज, तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा डी ऑल ऑफ दीज, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा, द मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर इन विच
कल्चर इज रैपिडली फ्रोजन एट ए वेरी लो टेम्परेचर -70 डिग्री सेंटीग्रेड एंड देन डिहाइड्रेट बाई वैक्यूम। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, जल्दी से आसन टिक करिए। तो पहला करा रेफ्रिजरेशन, बी करा लायोफिलाइजेशन, सी करा क्रायो प्रिजर्वेशन, डी करा माइक्रो मैनिपुलेशन। ओके मैनिपुलेशन यहाँ पर यल रहेगा। ओके चलिए इस ऑप्शन को रिप्रेजेंट कर रहा 56 का राइट आंसर क्या होगा, लायोफिलाइजेशन, 56 का बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है क्रायो प्रिजर्वेशन इज, क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, चलिए ऑप्शन पढ़िए। इसमें क्या था, स्टोरेज इन लिक्विड नाइट्रोजन, स्टोरेज इन नाइट्रोजन गैस, स्टोरेज इन लिक्विड हाइड्रोजन, स्टोरेज इन पैराफिन। 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, स्टोरेज इन लिक्विड नाइट्रोजन ही क्रायो प्रिजर्वेशन होता है, 57 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 कर रहा है द टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपी यूजफुल फॉर एग्जामिनेशन ऑफ अनस्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म सस्पेंडेड इन फ्लूड, इस ऑप्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला करा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बी करा फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप, डी करा डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, डी करा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इनमें से कौन सा माइक्रोस्कोप है, जल्दी से ऑप्शन टिक करिए, जिसमें हम एग्जामिनेशन करते हैं अनस्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, 59 का सी वाला। ओके उसके बाद इसका जो एक्सप्लेनेशन है, माइक्रोस्कोपी हमारा दो टाइप में होता है, लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट हमारा ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप आता है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप आता है, फेज कंट्रास्ट आता है और इसमें फ्लोरोसेंस आता है। अगर बात करें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इसमें टेम और सेम आता है, टेम फॉर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यस फॉर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके ये क्लासिफिकेशन देख लीजिए। ओके नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विच फॉर्म इमेज यूजिंग इलेक्ट्रॉन, एक ऐसा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो इलेक्ट्रॉन की मदद से इमेज बनाता है, दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू ए स्पेसिमन, और जो एक स्पेसिमैन से ट्रांसमिट होकर जाता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन पढ़िए। पहला करा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बी करा फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप, डी करा डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, डी करा सी करा डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, डी करा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इनमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से चूज करिए। 60 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए वाला, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके 60 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, नोट कर लीजिए। इस तरीके से सारे क्वेश्चन टॉप जो जितने भी सारे क्वेश्चन थे टॉप 60 क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं। आई होप आप लोग को ये चैप्टर थोड़ा बहुत क्लियर तो हुआ होगा और एग्जाम के लिए भी काफ़ी मतलब हेल्प मिलेगा। ओके तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक आप लोग अपना रिवीजन करते रहिए। ओके थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर भी कर दीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। ओके नेक्स्ट, तब तक के लिए आप लोग बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम की हिस्ट्री करते रहिए। ओके थैंक यू।